हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय दिवाली ब्लॉग। आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ हम अपने घर में दिवाली कैसे मनाते हैं। हम इंडिया से बाहर मस्कट ओमान में रहते हैं और यहाँ पे भी सब बहुत खुशी से दिवाली मनाते हैं। और यहाँ पे मार्केट में हमें सब चीज़ें मिल जाती हैं, दिया, लटकन, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। आपके सजावट के सामान, इवन आपके फुलझड़ियाँ और सब कुछ मिल जाते हैं। तो हम बहुत प्यार से इधर दिवाली मनाते हैं। तो चलिए हम ले चलते हैं आपको देखने के लिए हमारे घर की सजावट। और ये है हमारी पूजा करने की जगह, यहाँ से शुरू करते हैं। ये गेट के एंट्रेंस में हमने रंगोली बनाई थी, बहुत ही खूबसूरत और प्यारी। उसके बाद हम चलते हैं हॉल की तरफ। हॉल में हमने कितनी प्यारी मेहंदी से इंस्पायर रंगोली बनाई, मेरी बच्ची बहुत ही खुश थी उस दिन। और उसने बहुत प्यार से दिए सजाए और बहुत मज़े की। ये हमने हॉल में एक दूसरी जगह में बनाई थी। और ये पूजा की जगह की रंगोली, ये देखिए बहुत खूबसूरत हमने बनाई थी, दिए भी सजाए थे। तो आपने देखा हमारे तरह तरह के रंगोली हमने बनाए थे। मैं बहुत पसंद करती हूँ रंगोली बनाना और आशा करती हूँ आप सबको ये पसंद आएगा। और पूजा का जगह भी मैं बहुत प्यार से सजाती हूँ सुबह उठ के, और आपने सभी ने देखा ही होगा। तो चलिए ले चलते हैं हम आपको दूसरी सजावट की तरफ, कैसे हमने दिए सजाए हैं घर के चारों तरफ। पूजा की जगह में दिए रखे हुए हैं और साइड में नीचे वॉल्स के नीचे 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 दिए रखते गए थे। बहुत टायर्ड हो गए थे, कोई रंगोली नहीं बनाई इधर। चलिए आपको ले चलते हैं किचन में सीधे। और ये मैंने सेंटर टेबल बना के रखा है सिर्फ दिवाली के लिए खास। ये हॉल की तरफ जाते हुए नीचे फ्लावर से रंगोली। और ये हम पहुंच गए मेरे स्पेशल टेबल डेकोरेशन में, जो मैंने फोम के कुछ फ्लावर्स खरीद के रखे हुए थे उसके बीचों बीच कैंडल्स लगा दिए और बन गया आपका सिंपल सा डेकोर। ये तो आपने देख ही लिए हैं। ये मैंने मेहंदी से इंस्पायर होके डिज़ाइन बनाई थी। करीब एक घंटे लगे थे मुझे इसको अच्छे से कलर करने के लिए। अब आ गए हम साइड टेबल में और इसमें हमने छोटे छोटे कैंडल्स रख दिए हैं और थोड़ा फेरी लाइट्स लगा दिया है और ये बन गया सुंदर सा डिज़ाइन। ये मैंने छोटी सी रंगोली बनाई थी प्यारी सी। अब चलते हैं मिठाई की तरफ, द मेन अट्रैक्शन ऑफ दिवाली। और हम चले गए थे लुलू हाइपर मार्केट में, जो यहाँ पास में ही है, और हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खरीदी थी। दिवाली हो और घर में मिठाई ना आए, ऐसा कभी हो सकता है? मैं खुद डाइट करती हूँ मेरे हेल्थ के लिए, मेरे वेट रिड्यूस करने के लिए, बट उस दिन मैं कोई परहेज नहीं करना चाहती थी, इसलिए हमने मार्केट गए थे और खूब सारी मिठाइयाँ खरीदी थी। लेकिन मैंने कुछ डाइट मिठाइयाँ घर में भी बनाई थी जिसमें शुगर का यूज़ नहीं होता है। तो चलिए मैं आपको उसकी रेसिपी दिखा देती हूँ मैंने कैसे वो सब बनाया। दिस इज़ अ स्मूदी एंड नाउ प्रेजेंटिंग डेट्स कोकोनट बर्फी। और इसके लिए मैंने सबको ग्राइंड कर लिया था, वॉलनट्स भी यूज़ किए थे। उसके बाद हमने उसको सेट किए थे फ्रिज में, देन कट किए थे, जो बच्चे उसमें से लड्डू बन गए। उम्मीद है आपको ये डाइट मिठाई बनाने की तरीका पसंद आया होगा। आप भी घर में ट्राई कीजिए और खूब सारी खाइए, इट्स अ गिल्ट फ्री मिठाई। चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ अपने ज्वेलरी के चॉइस के बारे में। मैं एक मिनिमल मॉम हूँ, कम चीज़ें खरीदना पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे क्लटर से बहुत परेशानी होती है। क्योंकि अभी हम लोग जब बहुत सारी चीज़ें खरीदने लगे तो घर में सब क्लटर्स होने लगे और उसके बाद मुझे चिड़चिड़ापन महसूस होने लगा, तो मैंने चीज़ें खरीदना बहुत कम कर दिया है। ठीक है, हमको फैशन के साथ रहना चाहिए, अच्छा लगता है, बट
मैं रीयूज करना पसंद करती हूँ। और अभी पैंडेमिक के लिए हमारे घर में थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस भी है, तो मुझे अपने घर के बजट को भी देख के सब करना पड़ता है। तो मैं खुशी से चीज़ों को रीयूज करना पसंद करती हूँ। और गोल्ड ज्वेलरी के मामले में मैं ज़्यादातर बहुत सारी चीज़ें नहीं खरीदती हूँ। मैंने 2 साल, आई थिंक 2 साल पहले एक ज्वेलरी खरीदी थी, और मैं आपको वो दिखाना चाहती हूँ जो मैंने दिवाली पे पहनी हुई थी पिछले साल। तो चलिए देखते हैं। और साड़ी मुझे संबलपुरी साड़ी बहुत पसंद है। एक मैंने अपने शादी के टाइम की साड़ी, मतलब 6-7 साल पुरानी है, वो पहने थे, संबलपुरी साड़ी। वो सिल्क है, हैंड वूवन है, और वो बहुत ही प्यारा लगता है। तो चलिए देख लेते हैं। ये है संबलपुरी साड़ी जो मैंने शादी के टाइम में ख़रीदा था, और मेरी ज्वेलरी और झुमके ये सब मुझे बहुत पसंद हैं। आपको मेरी ज्वेलरी का टेस्ट और आपका साड़ी का चॉइस कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए। ये मेरे बहुत सबसे फेवरेट चीज़ों में से एक है जो मैं बहुत रिपीट करके पहनती रहती हूँ। और मेरे कुछ फेवरेट मोमेंट्स फ्रॉम दिस दिवाली, मैं उस दिन बहुत खुश थी और हमने सेल्फी लिए, और मेरे बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा खुश थे उस दिन। हम कोई पटाखे नहीं जलाते हैं और हम एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही संवेदनशील हैं, और हमने अपने बच्चों को भी वही सिखाया है कि आप लोगों को ये सब नहीं करनी चाहिए। छोटी मोटी फूल जड़ियाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम पटाखे वगैरह फोड़ने के खिलाफ़ हैं। हम लोग वो सब नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि इस साल तो वैसे भी सब मना है हर तरफ एनवायरनमेंट की वजह से और पेंडेमिक की वजह से सब मना है। ये सब जो आपने अभी तक देखे, ये सब पिछले साल के हमारे दिवाली का सेलिब्रेशन था। इस साल हमने कोई सेलिब्रेशन नहीं की है कुछ निजी कारणों की वजह से, और हमने अपने अपनों को खोया है इस साल। उसके गम की वजह से हमने ये सब सेलिब्रेशन इस साल नहीं किए हैं, और ये पूरे साल हम कोई सेलिब्रेशन नहीं करने वाले हैं। दैट्स ओके, लाइफ गोज ऑन। ये साल गुजर जाएंगे, फिर जिंदगी तो चलेगी। और इसी शुभकामनाएं के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, और आशा करती हूँ हमारे परिवार में जैसे हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, ये सब आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए ऐसे वीडियोस देखने के लिए।